हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो आज है एक प्रोडक्टिव डे एंड काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं हम लोग, क्योंकि अगर मेरे रोज़ व्लॉग डालने लगी तो आप लोग मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करोगे, मुझे पता है। सो गाइस, मुझे नींद आ रही है क्योंकि पापा ने मुझे बहुत जल्दी खाई, 6 बजे मैं उठने से दिए, मतलब 7 बजे मैं गाड़ी फोन के उठी हूँ। उसके बाद मुझे पापा ने बोला पत्थर धोने के लिए, हमारे पापा गोरखे नहीं लगाते, पापा के लिए गोरखे हम ही हैं। पापा कहते हैं कि कौन इतना पैसा बर्बाद करे जब हम खुद कर सकते हैं, तो बात सही है वैसे, क्यों इतने पैसे बर्बाद करने। बट या तो गाइस ये बहुत ज़्यादा भारी आ गया मेरे साथ, सारे पत्थर मैंने लाए हैं नीचे दिखाने से, ये वाले इतने बड़े बड़े। सो गाइस, अब मैंने ऐसे गाइस मेरी नोज पिन लगाई है, कैसी लग रही है कमेंट डाउन। अब मेरी आंखें नहीं खुल रही है क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठ गई थी एंड मेरे को फिर सुबह में लेट उठने की आदत पड़ गई थी, मतलब मैं 8 या 9 बजे उठती थी आराम से। अम्मी पापा ने सुबह हाथ उठा दिया और मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा जल्दी है एंड अब मैंने काम कर लिया है। थोड़ी देर बाद पहले हम खाना खाएंगे एंड उसके बाद हम फिर से काम में लग जाएंगे और मुझे सोना भी है। सो गाइस, वेलकम बैक। हम लोगों ने खाना खा लिया फाइनली एंड मैंने 4 चपाती खाई और इसने 3 चपाती खाई, मैंने 4 चपाती खाई है। वाओ। सो क्योंकि मैंने दाल बनाई थी और बहुत टेस्टी बनी थी गाइस, बहुत ज़्यादा, मैं बहुत टेस्टी खाना बनाती हूँ, कभी आए दावत पे। एंड उसके बाद अब पापा चले गए फिर से काम करने। पापा सुबह 10 बजे से काम, मतलब सॉरी 10 बजे तक काम कर रहे थे, 10:30 बजे शायद 10:40 तक मैंने देखा टाइम उस टाइम। और फिर पापा आए, खाना खाया पापा ने हमारे बाद एंड फिर से चले गए काम करने, मतलब ये बज रहे हैं 11:30 हो गए और पापा फिर से काम करने चले गए। इतनी धूप है बाहर, इतनी गर्मी है, मैं तो मतलब मर रही हूँ गर्मी से। पापा ने हमें भी बुलाया है तो मैंने पापा को बोला कि थोड़ी देर बात करेंगे क्योंकि बहुत धूप है बाहर और मैं नहीं कर सकती धूप में काम, मुझे चक्कर आ जाएंगे। नहीं तो ऐसा भी नहीं है, मतलब थोड़ा रेस्ट करते हैं ऐसा मतलब मेरा। एंड फिर बस फौजी घर में ऐसे ही होता है, मतलब देखते हैं पूरे दिन देखना कितना कुछ करेंगे हम लोग, मतलब कितना कुछ कराएंगे पापा हमसे, क्योंकि बींग अ फौजी मतलब एक्स आर्मी मैन, तो पापा को बैठे रहने की आदत नहीं है। तो पापा को लगता है जब हम भी बैठे रहते हैं पापा को ऐसा लगता है कि ये क्यों बैठे हैं, इनको उठाओ। पापा इतने ऐसे कि काम करना है, निकालते रहते हैं काम, कुछ नहीं भी होता है तो भी निकालते रहते हैं, बोलते हैं कि मतलब बैठे बैठे खून का पानी बनता है। सो गाइस हम भी जाएंगे पापा के साथ, हेल्प करेंगे, पता नहीं पापा कहाँ हैं, कुछ तो कर रहे हैं मिट्टी पापा ने बोला साथ उठाने के लिए। सो हम चलते हैं एंड करते हैं काम, लेट्स गो। सो चलते हैं पापा के पास, अगर हम पापा मिलते हैं तो, क्योंकि मैं पापा को आवाज़ लगाई पापा नहीं मुझे दिख रहे कहीं पर भी, तो पापा यहीं पे देखा, यहीं पे रहते हैं पूरे दिन स्टोर रूम में, आपको घर में नहीं मिलती जगह। ये देखो पापा कहाँ पे स्टोर रूम में, बात पापा को घर में चैन ही नहीं मिलता। फौजी मेरी प्यारी गौरी, मेरी गौरी ने, हेलो गौरी, मेरी गौरी का बच्चू बच्चू भी है। दांत दिखा अपने दांत, इसके दांत दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, दांत दिखाना, देखो दिखाना एक बार, ये देखो ईच क्यूटी मेरा कूटी पाए। और ये मेरी प्यारी सी गौरी, बहुत बहुत शरीफ है मेरी गौरी। तो ये हमारा प्यारा सा बच्चू, बहुत शरीफ है ये भी, बहुत तुम नहीं कुटता है बिल्कुल भी। क्या मेरा क्यूटी पाई है, मेरा कूटी पाए, पानी पिलाएंगे अपनी गौरी को, हाँ जी को हम पानी पिलाएंगे। सो गाइस दीदी चले गए हैं पानी लेके और मैं भी जा रही हूँ। मैं भूल गई थी कि मुझे पानी पिलाने भेजा था, पानी पिलाने तो मैं इनको प्यार करके चले गई, फिर मेरे को याद है पानी पिलाना, इतने ऊपर चले गई, हाँ याद है कि पानी पिलाने का टाइम हो गया, तो हम इनको पानी पिला रहे हैं। गाइस मुझे ऐसे बहुत ज़्यादा डर लगती है,
चलो गाइस मेरे को निकाल देखो मेरा गाँव के और मेरा गाँव है वहाँ भी चलो खुदाई कर रहे हैं मिट्टी की। मैंने बोला था ना गाइस कि जहाँ मिट्टी नहीं भी होगी पापा वहाँ से मिट्टी निकालेंगे एंड ये देखो बहुत तेज धूप है हम लोग को बहुत दिन दिया बाय बाय जाते हैं हम। सो गाइस हमारा काम तो हो गया तो मैं आई थी यहाँ पे स्ट्रॉबेरी देखने मेरी किस्मत में अगर हुई तो वरना यहाँ पे नाक भी निकल सकता है बट पक्की नहीं है मतलब बहुत है ऐसा नहीं है बट पक्की नहीं है कोई भी नॉट इवन अ सिंगल पीस। मैं चल पड़ी हूँ नंगे पैर क्योंकि मेरे को जितनी पहने तो उसे पाँव ख़राब हो रहे हैं एंड हम लोग जाएंगे अंदर। सो गाइस फाइनली हमने सब कुछ काम कर लिया एंड हम लोग आगे रेस्ट करने अब हम लोग बहुत थक चुके हैं तो हम लोग थोड़ी देर सोएंगे एंड उसके बाद हम उठेंगे उसके बाद हम कुछ और करेंगे ओके। एटीट्यूड बड़े लोगों का। सो चलो मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी बहुत गर्मी लगी थी मुझे सोना नहीं था तो मैंने सोचा सूट की कटिंग करते हैं तो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। ये पड़ा हुआ था मेरे घर वालों ने दिया तो है नहीं मुझे बट ये पड़ा हुआ था मेरे पास ये मैं अभी लाइन मारी है उसके बाद मैं काटूंगी ओके दिखाते हैं आपको बना के फिर कंप्लीट। हम लोग जा रहे हैं घास निकालने की क्योंकि मेरे को दर्द लगी और दादी के लिए नहीं निकाल तो हम निकालेंगे मैं और हिमानी घास निकालने जा रहे हैं इसको हम घर छोड़ेंगे चलो घर जाएंगे चलो भाई घास निकालने गाइस ये देखो मेरी मक्की लगी है कितनी ज़्यादा लगी है देखो हमने इसको कुछ टाइम मतलब एक महीने पहले हमने लगाया था और वो इतनी बड़ी हो गई है ऐसे पकड़ते से और वो इतनी बड़ी हो गई है देखो हमारा खेत और ये सेब के पेड़। आप लोग सोच रहे हो कि मैं वीडियो के लिए आई मतलब वीडियो के लिए कर रही सिर्फ ऐसा नहीं है गाइस मतलब मैं रोज़ नहीं करती ऐसा भी नहीं है कि मैं रोज़ आती हूँ मैं कभी कभी आती हूँ मतलब निकालने के बहुत कम आती मतलब उठा लेती हूँ फिर भी बट जब घर में ज़रूरत होती है जैसे मम्मा को दर्द होगी दादी को दर्द होगी तो हम आगे रहते हैं सहायता के लिए बाकी मैं मैक्सिमम नहीं आती बट ऐसा नहीं है कि वीडियो के लिए सिर्फ वीडियो के लिए भी नहीं आता है मेरे को। सो गाइस अभी बजे शाम के 5:40 एंड हम लोगों ने घास ले आया है एंड वो है हिमानी अभी हम जाएंगे घास रखने और फिर हम नहाएंगे फाइनली बहुत ज़्यादा गर्मी थी आज तो नहाने के लिए मैं बहुत तरस रही थी तो चलो फाइनली हम लोग नहा चुके हैं क्या होगा मुझे पता नहीं मिट्टी पे जाके क्या हो जाता है और मैं नहा गई हूँ मैं बन गई हूँ गुड गर्ल एंड अब हम देखो मैं थोड़ी गोरी भी हो गई नहा के अब मम्मा बनाइए खाना आज मैं नहीं बनाऊंगी मम्मा खाना बनाएगी एंड हम लोग बाल सुखाएंगे क्रीम पाउडर लगाएंगे बोले ना आप कुछ बोलना चाहेंगे कैसी आपकी दर्द रोना सो अब पापा पता नहीं फिर से कहाँ चले गए मतलब बैठे ही नहीं दो मिनट नहा गए शायद उसके बाद पहले नीचे खेत में थे कुछ बीज रहे थे एंड उसके बाद पिपड़ी लगाई है मिर्च लगाई है पिपड़ी एंड पिपड़ी हमारे यहाँ मिर्च को पिपड़ी बोलते हैं आप लोगों को क्या बोलते हैं मुझे बताना ठीक है एंड उसके बाद पापा नहाए अब फिर से भाग गए अब पता नहीं क्या काम कर रहे होंगे मतलब लगता है सॉरी यहाँ पे एंड यहाँ पे आप लोग बोलोगे छोटा सा कट है बट इसमें जरा नोट वैसे मैं किसी दिन बाल कंघी करने देती क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द होता है बट अभी मैं बहुत ज़्यादा एक मेरे को आलस पड़ा हुआ है इतना काम करके एंड मैंने आपको दिखाया भी नहीं बीच में सो और बाकी थोड़ा मेरे को लगी है थोड़ा मेरे को नींद आ रही है और भूख भी आ रही है बहुत ज़्यादा खाना बन रहा है लेकिन गाइस मेरे को वाइट बाल आ गया ये नहीं कैसा फील कर रहे हैं आप नहा के अच्छा देखो बहुत धुंधला सा है मतलब बहुत सुबह से ऐसा कुछ अजीब सा ही बहुत मतलब क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है और असहनीय गर्मी होगी इसको हम सहन नहीं कर सकते बादल बरसा बिजली पहले अगर इसके बाल बहुत ज़्यादा कर लिए वैसे ना थे चाउमीन जैसे बाल बहुत ऐसे होते हैं वैसे बाल ऐसे कर लिए बिल्कुल बट एक
तरीका हमने ट्राई किया, मतलब मैं करती, मेरे तो वैसे थोड़े स्ट्रेट हैं, मतलब ये तो मैंने स्मूदिंग कराई बट मेरे थोड़े स्ट्रेट ऑलरेडी हैं, जब मतलब जब मैंने नहीं कराई थी तब मैं वैसे करती। देखो इसको मैंने पहले एक छोटा किया है, पीछे पोनी किया मैंने, पूरी रबड़ साथ बिल्कुल नीचे करनी है। मैंने दो पार्टीशन कर दिए बराबर इनके, फिर मैंने ये वाले बाल इधर को लिए बिल्कुल ऐसे और यहाँ पे पिनटक की, और फिर ये वाले बाल इधर को लिए अंदर पिनटक की, ठीक है, और बिल्कुल ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए कंघी करके, ठीक है। और यहाँ पे इसके ऊपर आपने कुछ कपड़ा बांधने, इसको मैं धाटू पहनाऊंगी कुछ टाइम के लिए ताकि बाल खुले भी ना और बिल्कुल सीधे रहे। तो हम रिजल्ट दिखाएंगे आपको, आपने कुछ बांध लेना है, आपको चुन्नी होगी, मतलब अगर धाटू नहीं चुन्नी होगी आपको चुन्नी को बांध लेना है। तो मैंने ये धाटू बांधा है। गाय का पहले का दूध होता है उसको, मतलब जब मतलब गाय लस्सी होती है, लस्सी सॉरी, जो गाय की लस्सी होती है, मतलब पहले की जब उनका बच्चा होता है तो पहले की, उसको नहीं पीते कुछ दिन तक, उसको फेंकते हैं। यहाँ पे देखो गोबर के दूध है, मुझे फेंकते हुए बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है क्योंकि मुझे बहुत पसंद है लस्सी खाना पीना। चलो अभी अंदर करते हैं, मुझको बच्चू बनना तो तुम्हें चलगा लाइट में गिरूँगी। हेलो गाइस, मैं कब से बोल रही हूँ कि क्या बोल रही थी, मैं कब से बोल रही हूँ कि हम खाना खा रहे हैं बट खा ही नहीं पा रहे। तो पहले हम बैठने चले गए थे वहाँ पे, सब बैठते हैं शाम को, तो हम बैठने चले गए थे इंडिया वाले ने, उस बाद मैंने पूजा की, उस बाद हम वहाँ पे चले गए, मैंने दिखाया आपको भी, एंड अब जाके खाना मिलेगा जब हम आएंगे, मेरे निकालने की हिम्मत नहीं, आई एम सॉरी। तो देखते हम कि इसके थोड़े बहुत ही सही एकदम, तो फिर से उसको वैसे कर देंगे हुए कि नहीं, ठीक है। सबसे पहले हम इसके क्लिप्स खोलें, फिर भी गाइस बहुत है क्योंकि इसके बाल बिल्कुल वैसे है, करली वाले करली है ना। इधर बैठो, ये देखो बहुत बहुत ज्यादा फर्क है। तो ये देखो हमने अभी इसको शायद 2-3 घंटे ही रखा था जब हम नहा के आए थे, शायद हम नहा के 6 पता नहीं कितने बजे, 7 बजे तो बाहर निकले थे हम, तो शायद 9 अभी 9 बज रहे हैं, 7 बजे निकले थे शायद। तो देखो अब हम लोग आ गए सोने, अब हमें आ रही है बहुत ज़्यादा नींद, अब बज रहे रात के 10:18 PM। सो अब हम करते हैं अपने सोने की तैयारी। होप यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल, और सब्सक्राइब कर दो गाइज प्लीज़, मेरे को जल्दी जल्दी 500 सब्सक्राइबर्स तक पहुँचा दो, फिर मैं आप लोगों को पार्टी दूंगी, बाद में मुकर जाऊंगी। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।